Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। नए छात्र सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना एडमिशन करवा ले और वीडियो को लास्ट तक देखना और मजे लेना। यार मैं ना रील्स देख देख कर बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ नया लाऊं, और मैं लग गया कंटेंट ढूंढने में। और कंटेंट ढूंढते ढूंढते मैंने देखी एक ऐसी मूवी और जिसको देखकर मुझे ऐसा हैंगओवर हुआ था जो अभी तक नहीं उतरा है। कहने को तो ये साउथ की मूवी है, लेकिन इतनी बकचोदी मैंने हिंदी फिल्मों में भी नहीं देखी। तो आइए शुरू करते हैं। फिर तो फिल्म शुरू होती है और पहले ही सीन में दो हवसखोर इंसान बीच पर ऐसे उलझे हुए हैं जैसे झांटे उलझी रहती हैं। देख देख देख, अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं है और ये पहले से ही शुरू हो गया। कितना ज्वालामुखी फूट रहा है इसके अंदर। ये लौंडा कितना हरामी है तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारी कहानी के चौदू किरदारों से। ये है इस पिक्चर का मेन हीरो एक स्कूल बॉय जो स्कूल कम लड़कियों के पीछे ज्यादा पड़ा रहता है। ये जब भी किसी लड़की को देखता है इसकी बड़ी हो जाती है आंखें। इसकी हवस का तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्कूल की टीचर से लेकर नर्स तक सब पे हाथ साफ करने की कोशिश करता रहता है। और ये है इस पिक्चर की हीरोइन और ये है इस पिक्चर की हीरोइन जिसकी लेने की फिराक में लौंडा पूरी पिक्चर में बावला हुआ रहता है। पप्पी पप्पी लेने के मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तुम मुझे पसंद हो। असल में मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? मेरी सुंदरता, मेरा शरीर, जो चाहिए ले जाओ, ले लो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी। तो आइए अब शुरू करते हैं इस चूतिया पिक्चर की चूतिया कहानी। अरे यार वो लड़की देख यार, क्या मस्त आइटम है। अरे देख। अरे हाँ। चुदे हुए नींबू की शक्ल तो देखो जरा, भोसड़ी का सही से पैदा भी नहीं हुआ पर नियत पूरी खराब है। और ये किस लेवल का बकचोद है ये तो आपने इसके स्कूल छोड़कर यहाँ बैठकर जो ये कर रहा है उसे देखकर ही समझ गए होंगे। दूसरी जलपरी को देखकर अपने जलपरे का टावर खड़ा करने में लगा हुआ है। अब ये जलपरा जा पहुंचा स्कूल में तो आगे देखो। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ विद्यार्थी और विद्यार्थिनी क्या बातें कर रहे हैं बताइए। मैडम वो दोनों ए बकवास बंद करके बैठ जाओ। वो दोनों लवर्स हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बैठ जाओ। वो दोनों लवर्स हैं, लव के बारे में बात करें मैडम। मुंह बंद करके बैठो। माँ चूत गई। कि ये कैसा स्कूल है जो सबके सब चौक सुन कर बैठे हैं क्या यहाँ पे? इस दंत मंजन की अलग ही बकचोदी चल रही है, इसलिए कहते हैं जाटों का विकास होने से पहले दिमाग का विकास होना बहुत जरूरी है। स्कूल में पढ़ाई करने के बजाय सपने में मैडम को अपने डंडे पे बैठा के घूम रहा है। सॉरी, साइकिल के डंडे पे, साइकिल ही थी ना, साइकिल के डंडे पे। नरक में गांड में जब गरम गरम सरिये डाले जाएंगे तब हवस शांत होगी इसकी। सही बात है। अब आगे कुछ दिनों तक ये उस समुद्र वाली जलपरी के पीछे चूतियों की तरह चक्कर काटता रहेगा। हाँ बोलो। ठीक है मैं आती हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे छोटू, असल में ऐसा होगा सोचा नहीं था, ये तो जल्दी में गलती हो गई। ओह माय गॉड, तुम्हारा बीबी इतना कम ज्यादा क्यों हो रहा है? हवस देख रहे हो लौंडे की? भोसड़ी के नर्स को तो छोड़ दे, नहीं तो ऐसा इंजेक्शन लगाएगी कि जब भी हिलाएगा हवा ही निकलेगी बस। मेहनत करके 8-pack बॉडी बनाए हो यार, किसके लिए? मुझे कोई पटी नहीं रही है और तू चला है पटाने के लिए। वेटिंग रे, 28 years till I am waiting, मुझे कोई पटी नहीं रही है।
तेरा हुलिया देखकर कोई भी लड़की पढ़ सकती है क्या? सिक्स पैक एट पैक को लड़कियां नहीं पढ़ती भैया, देखो मेरे जैसी पर्सनालिटी को ही पढ़ती हैं। पर्सनैलिटी तो इसकी बिल्कुल गधे के आंड जैसी है, जिससे लड़की पटाने का तो पता नहीं लेकिन गांड कुटने की शॉर्टी जरूर है। सर सर, आपसे बिल्कुल सच कहूंगा, मैंने एक लड़की को देखा है। उस लड़की को स्कूटर पर बिठाना है, इसलिए किले रोड पे डाल दी। कैसा लगा मेरा आइडिया सर, आपको पसंद आया ना? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? इस पुलिस वाले की जगह अगर मैं होता तो इसका चालान अलग करता और बर्फ की सिल्ली पे तब तक लेटाता जब तक आंड जम के आइसक्रीम नहीं बन जाते। Excuse me? ये स्कूटर आप में से किसका है? इनका नहीं। थोड़ा मुझे ऑफिस में ड्रॉप कर दोगे क्या? सर सर, ऐसा कभी कभी चांस मिलता है। मैडम को उनके ऑफिस में ड्रॉप करके आता हूं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अरे अरे रुक, आप आइए। वो ऐसे चिल्लाते रहते हैं। ट्रैफिक रूल्स का गांड मराने, हमें तो बच्चों से स्कूटर चलवाना है बस, और वो भी बिना हेलमेट के। मेरी पत्नी मुझसे जुदा हो गई, मुझे कंपनी के बिजनेस के अलावा दूसरी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तब से मैंने किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा है, लेकिन मेरी कंपनी में जब से तुम आई हो और मैंने तुम्हें देखा है, तुम मुझे पसंद आ गई हो। इस मूवी के हिंदी डब का नाम हाई स्कूल क्यों रखा, जब इसमें बच्चे से लेकर बड़े तक सब हवस में चूर हो रहे हैं। सबके सब इस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। ये चाचा भी जिनकी नसों तक में कमजोरी बह रही है, इन्हें भी ये लड़की चाहिए। मैं बादाम जैसी नहीं हूँ यार। फिर कैसी हो? 36, 24, 36 पता है? अरे ये तो मेरे दोस्त का फोन नंबर है। और ये चले हैं लड़की पटाने। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इसका दोस्त इससे भी बड़ा चूतिया होगा, क्योंकि इस जैसे ठरकी से दोस्ती करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। पहले तेरा गेटअप बदलना होगा, तेरी आदतें बदलनी होगी। समझ गया, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कल से डब्बू बबलू बॉबी बन जाएगा। बाय सरू, बाय बाय बबलू। ए गोरी, कैसा लग रहा हूँ? भोसड़ी के शक्तिमान का दाया आंड लग रहा है। और ये दांतों का क्या किया, रंदा घिसवा लिया क्या? तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कुछ टाइम बकचोदी करने के बाद इस आड़ू ने उस जलपरी को प्रपोज कर दिया। आई लव यू, तुमसे शादी करूंगा। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। फिर कभी ऐसा कहा तो मैं क्या करूंगी मुझे ही पता नहीं। Get out from here. वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी, यार ये सेम माल मेरे को भी चाहिए जो ये लड़की फूंक रही है। गेट आउट उसको बोल रही है और खुद जा रही है। अबे तू थोड़ी सी बहन कील। Women. असल में मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? मेरी सुंदरता, मेरा शरीर, जो चाहिए ले जाओ, ले लो। शीघ्र पतन के शिकार पूरी पिक्चर में एक ही चीज के पीछे दौड़ता रहा, और यहाँ जब मिलने लगी तो आंखें बंद कर ली इसने। इसी को कहते हैं अखंड चूतिया। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नेक्स्ट मंथ मेरी मैरिज है, चाहे तो मेरी शादी में आके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। माँ चूत गई। बस इतनी सी बात करने के लिए इन्होंने पूरी मूवी बना दी। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी तो ब्रेजर वाले दे देते हैं। हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं बबलू। एक बार आई लव यू कह दो ना प्लीज। कहूंगी तो भूल जाओगे क्या? तो फिर मत कहो। आंडल को कोई सल्फास की गोली खिला दो तब शांत होगा ये। सब रोना धोना खत्म करके हम जा पहुंचे हैं इस बकचोदी के क्लाइमैक्स पे। एक पप्पी के लिए पूरी पिक्चर में बकचोदी कर दी इस लौंडे ने। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि
अजी मेरा लंड सीखने को मिलता है, मेरी जिंदगी के कीमती 2 घंटे खराब कर दिए इस पिक्चर ने। अब आप अपने कीमती 2 घंटे बचाने के साथ साथ वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट कर सकते हो। आपको तो पता ही है हेट वगैरह से अपना कोई लेना देना है नहीं, तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो और अपना प्यार दिखाओ, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @tandonsaab13। बाकी मिलते हैं फिर अगली बार किसी और बकचोद कंटेंट के साथ।